हेलो एवरीवन, मैं हूँ आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो जो हमारी सीरीज चलती आ रही है कॉन्ट्रैक्ट की, एक सीरीज उसी सीरीज का एक अगला पार्ट होने वाला है। अब कॉन्ट्रैक्ट सीरीज के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए थे, कुछ छोटे क्वेश्चन बच गए थे वो हम अभी कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सामान्य विशिष्ट प्रस्ताव, जनरल एंड स्पेसिफिक प्रपोजल। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रपोजल आपने जब पढ़ा होगा, अगर आपने प्रपोजल नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ आई बटन पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर के पहले प्रपोजल पढ़ लीजिए। अब प्रपोजल में भी बहुत सारे टाइप के प्रपोजल होते हैं, यानी कि प्रस्ताव भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्रॉस प्रस्ताव पढ़ा था, प्रति प्रस्ताव पढ़ा था, सामान्य प्रस्ताव है और विशिष्ट प्रस्ताव है। तो इस तरह से प्रस्ताव के काफी सारे नाम के साथ प्रस्ताव के कई सारे भाग की तरह ये बट रखे हैं, तो हमें इनको पढ़ना भी जरूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिए जाते हैं। तो क्रॉस प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव हम पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सामान्य प्रस्ताव और विशिष्ट प्रस्ताव। इनको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 मिनट का टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब सामान्य और विशिष्ट प्रस्ताव क्या है? सबसे पहले तो बात करें सामान्य प्रस्ताव की या जनरल प्रपोजल की। तो सामान्य प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, और इन जनरल सभी को, पूरे विश्व के लिए, जो भी उसे उसको फुलफिल करता है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि वो उसके साथ कंप्लीट हो जाता है। अब इसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ करके पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक बाइक थी, वो बाइक चोरी हो गई, ये मैं हूँ, मेरे पास एक बाइक थी वो बाइक चोरी हो गई। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक न्यूज़पेपर में एक एड देता हूं कि मेरी जो बाइक थी उसके ये नंबर थे, इस कलर की ये बाइक थी, ये वाली बाइक अगर कोई ढूंढ करके मुझे ला करके देगा तो जो व्यक्ति मुझे ढूंढ करके ला के देगा उसे मैं 2000 रुपए का इनाम दूंगा। ये क्या करता हूं, मैं एक न्यूज़पेपर में एक एड डाल देता हूं, न्यूज़पेपर में लिख के डाल देता हूं, जो भी व्यक्ति है, मेरी ये बाइक थी, ये बाइक है, ये इसका कलर है, ये इसके नंबर है, ये वाली बाइक मुझे, मेरी जो खो गई है, चोरी हो गई है, उस बाइक को ढूंढ करके ला करके मुझे देगा, मैं उसे 2000 रुपए का इनाम दूंगा। अब ये जो मैंने प्रस्ताव रखा, ये प्रस्ताव है सामान्य प्रस्ताव, यानी कि ये सबके लिए खुला है। ये एक बार जो जो भी पड़ेगा, जो जिसके व्यक्ति के पास भी एक बार जाएगा, उन सभी के लिए ये मानिए। मान लीजिए अब यहां जाकर के बी इस अखबार को पढ़ता है और बी मेरी बाइक को ढूंढ भी लेता है और ढूंढ करके मेरे पास लेकर कहता है, तो भी मेरे जो इनाम की राशि थी 2000 रुपए इनाम की राशि, वो प्राप्त करने का हकदार है। क्यों हकदार है? क्योंकि मैंने जो प्रस्ताव रखा था वो सामान्य प्रकृति का प्रस्ताव था, यानी कि सभी के लिए, इन जनरल, पूरे विश्व के लिए खुला प्रस्ताव था। जो भी उसे पढ़ेगा, जो भी उस प्रस्ताव के बारे में सुनेगा, वो अगर उसको फुलफिल कर देता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा, यानी कि वो उसकी कंसिडरेशन उसे मिलेगी, यानी उसका जो भी इनाम रखा गया था, जिस भी प्रकार का वो कॉन्ट्रैक्ट था, जिस भी प्रकार का एड दिया था मैंने, वो अगर पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसे जो राशि तय की गई थी, वो राशि जिस एड में थी, वो राशि पाने का वो हकदार हो जाएगा। जैसे कि मेरी बाइक खोने पर मैंने क्या किया था, 2000 रुपए का इनाम रखा था, तो बी ने उसे पढ़ लिया और बी मेरी बाइक लेके भी आ गया, तो बी 2000 रुपए पाने का हकदार हो गया। मान लीजिए यहाँ बी नहीं पढ़ता और सी पढ़ लेता और सी लेकर क्या था, तो सी भी 2000 रुपए पाने का हकदार हो जाता। लेकिन जो विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव, यानी कि स्पेसिफिक प्रपोजल जो है, ये इसका ठीक उल्टा है। जो सामान्य प्रस्ताव है इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए खुला है, जो भी इसे कंप्लीट करेगा उसे उसकी राशि मिल जाएगी। लेकिन विशिष्ट प्रकार का जो प्रस्ताव होता है, उस प्रस्ताव में क्या होता है कि ये इन जनरल सभी के लिए खुला नहीं होता, ये स्पेसिफिक किसी व्यक्ति को दिया जाता है या किसी व्यक्ति के समूह को दिया जाता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, विशिष्ट प्रकार के प्रस्ताव को भी, कि मान लीजिए मेरे पास ये बाइक है, ये मैं हूं, मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, उस बाइक को सेल करने का मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, या उस बाइक को सेल करने की मैं बात करता हूं, मैं किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को, जैसे कि ये बी है, तो मैं अपनी बाइक को सेल करने के लिए स्पेसिफिक बी को एक लेटर लिखता हूं कि भाई मेरी जो ये बाइक है ये मैं इतने रुपए में बेच रहा हूं, तुम्हें खरीदनी हो तो तुम खरीद सकते हो, तो उस हिसाब से मैं स्पेसिफिक बी को एक लेटर लिख रहा हूं। तो वहां क्या हो गया कि वहां ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या ये जो प्रस्ताव होगा, ये प्रस्ताव सिर्फ बी के लिए मान्य होगा। मैं उसमें जो अपना लेटर लिख रहा हूं उसमें लिख रहा हूं कि बी मैं ये बाइक बेचना चाहता हूं, मेरी ये बाइक है, तो बी के लिए लिख रहा हूं, मैं स्पेसिफिक बी के लिए लिख रहा हूं, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए लिख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव हो जाएगा, वो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए मान्य होगा। अगर मान लीजिए वो पत्र बीच में कोई पढ़ लेता है या बीच में कोई देख लेता है और वो उस बाइक को खरीदने आता है, तो मेरी मर्जी है, मैं उसे दूं तो दूं, नहीं भी दूं, क्योंकि मैंने पत्र में क्या स्पेसिफिक बी को मेंशन कर रखा है कि मैं सिर्फ बी को ही बेचना चाहता हूं या बी के लिए ही प्रस्ताव था ये। तो ऐसा प्रस्ताव जो विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या किसी समूह के लिए हो जाता है। मान लीजिए मेरा कोई खेत है, उस खेत में सिंचाई करने के लिए या उसे खेत को जोतने के लिए मैं किसी
10 लोगों की एक टीम है, उस समूह को कोई पत्र लिख देता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो उन 10 लोगों के समूह के लिए, उस समूह के लिए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या उस समूह के लिए स्पेसिफिक प्रपोजल हो जाएगा। सिर्फ वो समूह ही उसे या तो मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति अगर उसको पढ़ लेते हैं या दूसरे व्यक्ति भी उसके बारे में जानते हैं तो उस वो डायरेक्ट आकर के मुझे ये नहीं कह सकते कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट या ये सॉरी ये प्रपोजल या प्रस्ताव रखा था, क्योंकि मैंने वो प्रस्ताव स्पेसिफिक रखा था, यानी कि विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव था, किसी एक व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के किसी एक स्पेसिफिक समूह के लिए प्रस्ताव था। वो प्रस्ताव जो होता है वो विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है, और जो ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो खुले होते हैं, यानी कि जिसकी मर्जी हो वो आओ, जिसकी मर्जी हो वो उसे पूरा करो और इनाम की राशि ले जाओ, तो ऐसे जो होते हैं वो सामान्य प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सामान्य प्रकार के प्रस्ताव क्या होते हैं कि जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं किया जाता, यानी कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाता, वो होता है सामान्य प्रकार का प्रस्ताव। संपूर्ण विश्व को किया जाता है और संपूर्ण विश्व के लिए खुला होता है, कोई भी व्यक्ति आकर के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। तो ऐसा प्रस्ताव जो होता है वो सामान्य प्रकार का, जनरल प्रकार का प्रस्ताव होता है। जो विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है वो विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव किसी व्यक्ति या समूह विशेष को किया जाता है, और वो व्यक्ति या वो समूह विशेष ही उसे स्वीकार कर सकता है, अन्य व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस प्रस्ताव में मेंशन किया हुआ होता है कि इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति के समूह को या इस ग्रुप को ही ये प्रस्ताव दिया जाता है। तो जो विशिष्ट प्रकार के प्रस्ताव होते हैं वो किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, जो सेल एग्रीमेंट होते हैं, जो ऐसे कोई होते हैं जो बेचने के करार वगैरह होते हैं, उनके लिए जो प्रस्ताव दिया जाता है वो विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है जनरली। और जो इस प्रकार का लॉस्ट एंड फाउंड वाला होता है कि कोई चीज खो गई है उसे वापस लेने का, या कई बार नीलामी टाइप का या ऐसा कुछ भी होता है, तो वो हो जाता है सामान्य प्रकार के प्रस्ताव। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक एक लाइन की चीजें, सिर्फ समझने की चीजें। क्रॉस और प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।